मेरे पूर्वज यानी कि मेरे माँ के पूर्वज और मेरे पिता के पूर्वज ब्रिटिश टाइम पर कैदी बनकर ही आए थे, और ये आइलैंड मेरे पिता का जन्म स्थान है। मेरा परिवार इस आइलैंड को 1947 में खाली किया। और ये जानवर का जो वो देख रहे हो आप मेरे साथ लगाओ, ये जिस वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आज हम इधर आते हैं, जिसे अबडिन जट्टी कहा जाता है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट का कहा जाता है, उधर से हम जब आते इधर, पहले वो फिशिश लोगों का जगह था, फिशरमैन लोगों का जगह था, भट्टी और धोबी का घाट था, चूना भट्टी था, वो सब था यहाँ पर। मगर उसी के नाव में बैठकर मैं यहाँ आती थी, इस एनिमल को देखती थी। यहाँ इसकी तादाद काफ़ी था, मगर लोग इसका हंटिंग करते थे, वो दिल को दर्द देता था, इसको लोग मारते थे, वो दिल को दर्द देता, इच्छा होता था इनको बचाओ, मगर हम अकेला क्या कर सकेगा। उस समय कोई लोगों में ऐसा एक चीज़ का इंटरेस्ट नहीं था, कोई लोग जानवरों को प्यार नहीं करते, सब घर में जानवर था, मगर इतना प्यार करना किसी आदत नहीं, बच्चों को लोग नहीं भेजते थे, मगर मैं ज़बरदस्ती इधर आती थी सिर्फ जानवर के लिए। देखा इनकी संख्या धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी तो मेरे कुछ कुछ समझ आने लगा, और जब इनकी संख्या कम होने लगी दिल को दर्द होता था, तो लगातार स्कूलों को देखते हुए इनका विनाश होता हुआ देखते हुए मेरे को तकरीबन 1987 में यह आइलैंड इंडियन नेवी को हैंडओवर किया गया। वो टाइम में यहाँ पर 70 से लेकर 20 तक ही डियर थे, भी 17-20 हिरन रह गए थे, सब खत्म हो गया। डिफेंस आने के बाद में आते थे लोग, मालूम नहीं पड़ता था, धीरे धीरे लोग सब कुछ सेटलमेंट कर रहे थे यहाँ पर, अपना कहाँ का रखना, क्या देखना, क्या पेट्रोलिंग करना। उसके बाद आर्मी फोर्स आया, तब मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया, सर हम उसको बचाते हैं और हंटिंग मैन को बंद करते, लोग उसको मार कर ले आते, लोग उसको देखने के लिए आते हैं। और तब आर्मी और नेवी की मदद से इसको, इनकी संख्या को बढ़ाना, इनके बच्चों को सेव करना शुरू किया। अब इनका दूसरा कारण ये था कि ये लोग जंगल में थे, इंसान के पास नहीं, दुनिया का सबसे डरपोक जानवर है हिरण, ये लोगों को देखते हैं हार्ट बीट तेज़ होता है और ये मर जाते हैं, तो इनको इंसान के पास लाना, जंगल में अगर इनका विनाश होता है। मेरे जो हिरणी को आपने देखा, ये हिरणी सिर्फ एक ही बच्चा देती है, 6 महीने में एक बार एक बच्चा देगी, और ये बच्चे को हमें बचाना है तो क्या करें, जंगल में बच्चा था हमें नहीं मिलता, हमको पता है कहाँ बच्चा देते हैं, बाकी लोग जंगल में घुसते हैं इनको देखने के लिए, तो उनसे बचने के लिए इनका ब्रेन वॉश किया हम लोगों ने, इनको इंसान के करीब लेकर इनको बताया कि इंसान हर टाइम में इंसान दुश्मन नहीं होता, इंसान से प्यार किया जा सकता है। धीरे धीरे इनको नाम दिया गया, इनको लोगों के पास लाती गई, अब ये लोग के पास आते हैं, इसलिए डरपोक जब पूरे वर्ल्ड के अंदर में हर जगह पर हिरण इंसान को देखते ही दौड़ेगा। आज लोग यहाँ पर आते हैं और टूरिस्ट अगर लगातार इनके पीछे भागते हैं, कारण है कि हिरण को वो दूर से देखते हैं, मगर सिर्फ अंडमान निकोबार के रोशन में ये करीब देखते हैं। शुरू में काफ़ी हिरण थे, लोग इसका हंटिंग करते थे, ख़त्म होने लग गया था, इनकी संख्या 17 से 20 के बीच था डियर का, पिकॉक भी कम थे, बड़ा पिकॉक मोर ज़्यादा था, मोरनी कम थे। फिर डिफेंस आने के बाद इसको सेफ किया गया, आज मेरे पास तकरीबन 550 डियर्स है, 200 पिकॉक्स है, बहुत सारे बुलबुल से जो अंडे देने के लिए थे मैना है, 2 जोड़ा मैना भी है, वो चला जाएगा, 6 महीने रहेगा चला जाएगा, बुलबुल भी है जो अंडे आधे अंडे देने के लिए घोंसले बना रहे, आधा दे चुके हैं, और ये बुलबुल की तादाद 150 तक है बुलबुल, और यहाँ स्क्रूल्स भी है, गिलहरियाँ भी है जिसको देखा जा सकता है यहाँ पर काफ़ी, इसकी तादाद हर जगह जगह पर अलग अलग पर इनका घर बना हुआ है, और यहाँ पर रैबिट्स भी है जिनकी संख्या घट चुकी है, अभी बहुत कम है और ये बहुत कम निकलते हैं, हम कोशिश करें इसको बढ़ाने की संख्या कोशिश कर रहे हैं। घर का सारा काम करने के बाद सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करके अपना बैग रात को रेडी करके रखती, रात को रेडी करती, सुबह गाड़ी वाला को बोलती, गाड़ी वाला सारा वेजिटेबल जो लेके आई थी सबको रात को देखूंगी, साफ सफाई के छाट छाट के सबको खुला रखूंगी, और फिर सुबह उठेगा सबसे पहला काम होगा ये सारा वेजिटेबल को बैग में भरना, भर के एक ठंडी जगह पर रख देगा, फिर अपना खाना बनाएगा, वो बन गया, नहा धो के ड्रेस लिया अपना पहना, फटाफट लिया ऑटो वाले को ब्लाउज में भरा, और फिर बेकरी में आती हूँ, वो बिना इसका ब्रेड बनाएगा, वो भर के देगा, फिर उसका सीधा जट्टी आती, जट्टी से फिर यहाँ पहुँचती हूँ। यहाँ रात को 7 बजे तक यहाँ रहती हूँ, सबसे पहले आते इनको खाना देके रेस्ट करती हूँ, क्योंकि भूखे वो लोग, वो लोग को पहले खाना देती हूँ, देखती हूँ दवाई लगाती हूँ, जब तक मेरे घुमाने के लिए कोई गेस्ट नहीं मिलता तब तक हम उसका सेवा करेगा, जितना मेडिसिन लेके उन लोगों को लगाऊंगी, उन लोग फॉरेस्ट वाले से पूछूंगी, अभी आज के तारीख में फॉरेस्ट वाले से पूछूंगी तुमने इसको देखा दवाई लगाया, फिर उन लोग आके हमको बताएंगे ना इस तरह से मैडम इस तरह से उनको करना है, फिर हम उसको ढूंढेगा किधर में है,
फिर हम उससे जाकर पूछेगा, वो बोलेगा फलाना फलाना जगह है, तो मैं वहाँ जाकर दवाई लगाऊंगी। इस ज़्यादा टाइम मेरा इनके पीछे बगता है और ये लोग मेरे काउंटर के पास मेरे आजू बाजू घूमते रहेंगे। छोटा बच्चा से 3 साल के 3-4 साल का बच्चा तो उससे प्यार करता है हम लोग को। घर में भी आजू बाजू कुत्ता बिल्ली उठा के लेके घर में भी हल्ला मिलता था। मैं जब मैं बड़ी हुई तो मेरे घर वाले भी मुझे कुछ नहीं करते, कॉपरेट करते थे। जब तक मैं जिंदा इनकी देखभाल करूँगी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे पता है कि हर आदमी जानवर को प्यार नहीं करता और मैंने इनका साथ दिया इतना साल छोटा बच्चा से बड़ा हूँ तक, तो मरते दम तक हम ये आइलैंड में रहेगा। जब तक हम चल फिर सकते इसकी सेवा करूँगी मैं। जब भी मेरा माइंड परेशान रहता है तो मैं इनके बीच में जाती हूँ, मेरा दिमाग खराब ठीक हो जाता है और फिर मैं वापस आती हूँ, लोगों के साथ काम करती हूँ। इसलिए जानवर, अगर आप बहुत परेशान हो, निराश हो, सब कुछ हो, तो एक बार जानवर के पास जाइए, आपकी सारी परेशानी ख़त्म, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, आप सही इंसान बनोगे और जैसे थे वैसे होंगे। जानवर एक मेडिसिन का काम भी करता है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। हर घर में एक जानवर पाले, अगर दुखी हो तो उसके पास जाओ, हर क्वेश्चन का जवाब भी मिलता है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी का एक्सपीरियंस क्या मेरे को नहीं पता, मगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आज हम अपने घर में अकेले, मेरे घर हम 4 भाई बहनें हैं, भाई लोग सुनामी मर गए कुछ भाई लोग, और एक है मेरे पास रखी हूँ मैं उनको, और बाकी बहनों की शादियों के सब अपने सब मेरे से मिलने के लिए थे, जॉइंट परिवार में रहते थे, अब नहीं परिवार जॉइंट रहा, वो लोग बाहर बाहर काम करते हैं। एक सिस्टर को ला करके उसका बेटा, उसका पति सब रहते साथ में, उसके बावजूद भी हम अकेला है मगर जानवर के साथ रहता हूँ। कभी अकेला फील नहीं किया, जानवर साथ रहता है, अकेले डर भी उतना बड़ा घर में डर भी नहीं लगता है, जानवर है पास मेरे। हम बैंक में अकाउंट भी नहीं खोला, जो खोला वो गवर्नमेंट का सैलरी जाने के लिए, उसके बाद और अपना कुछ नहीं जमा किया, बैंक में 10% नहीं जमा किया, जो कमाता है जानवर को देता है और कोशिश करेगा जब तक इस धरती में है सारा पैसा इनको मिले। बहुत जन ऑफ़र दिए मेरे को, एक अच्छा ऑफ़र भी आया था बाहर कंट्री से, उन लोग का कहना था कि हम साल में 2 बार आपको अंडमान निकोबार आने के लिए फ्री टिकट देंगे, आप हमारे यहाँ करें, जैसे जानवर का यहाँ सेवा करती वहाँ करो, आपको 1 लाख सैलरी होगा, कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, साल में 2 बार अंडमान निकोबार तक आने के लिए खर्चा मिलेगा, टिकट लेके देंगे। मगर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, अपना हिंदुस्तान में अपना हुनर दूंगी बाहर कंट्री में, इसलिए मुझे जाना नहीं। मैंने बहुत सारा दुनिया नहीं देखा है, बहुत दुनिया का बहुत सारा जगह हम नहीं देखा है, हमको इच्छा नहीं जानवर के कारण नहीं देखा, इनको छोड़ के नहीं जाती कहीं, इसलिए मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसा मेरा ना उसमें। जो भी पैसा मैं कमाऊँगी अपने जानवर के लिए कमाऊँगी।